मान्यवर, मैंने सदन में पहले भी कहा और आज भी कहती हूं कि आस्था दिव्यता का प्रतीक है और भगवान राम में किसकी आस्था नहीं है। भगवान राम में हमारी आस्था किसी प्रमाण को नहीं चाहती और ना किसी प्रमाण की मांग करती है। भारतीय समाज ने जिस भगवान राम को पूजा, वो वनवासी राम है, वो केवट मल्लाह का राम, निषाद का राम है, वो सबरी का राम है, वो राम है जो जंगल में कंदमूल खाकर रहा है, जो गरीबों का राम है, जिसको आज आप नव्य भव्य बनाने चले हैं, उसकी दिव्यता अलौकिक है और युगों युगों से है। अगर आप मानते हैं कि पूरे विश्व ने इस अलौकिक अवसर का साक्षात्कार आज किया है, तो इसी विश्व ने मणिपुर में हुई विभत्स घटनाक्रम का साक्षात्कार भी किया है। अगर आज आप इस अलौकिक अवसर के लिए अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, तो कम से कम मणिपुर में हुई घटनाक्रम पे एक शब्द बोल दिया होता तो हम भी आपकी पीठ थपथपाने का काम कर देते। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हमारे चित्त में भी है, चरित्र में भी है, चिंतन में भी है, लेकिन आवश्यक यह है कि भगवान राम के चरण जितने पूजनीय हैं, उनके आचरण भी उतने ही पूजनीय हैं। राम की नीति और नियतियां सर समाज के उन्नयन के लिए हैं, परंतु अफसोस, मान्यवर, अफसोस है इस बात का कि आपका पूरा प्रयास है इस बात पर कि आप भगवान राम को उनके अपने राजनीतिक तल पर लेकर आए। एक सुझाव के साथ कि जिस भगवान राम के चरण आप बहुत जोरों से पकड़े हैं, अगर उनके आचरण को भी उतनी ही जोरों से पकड़ लेंगे, तो जिस राम चेतना, जिस राम तत्व को आगे लाकर आप इस देश में, इस प्रदेश में गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी को सम्मान देने का और उत्थान लेने का दम भर रहे हैं, अगर जातिवार जनगणना करा देंगे तो इस देश की हर जाति उनके जनता, उनकी संख्या के अनुपात में, शिक्षा में, सदन में, नौकरी में, दवाई में, कमाई में, पढ़ाई में, इस देश के खजाने में, खेत खलियानों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित कर दीजिए और वो राम तत्व, राम चेतना सार्थक हो जाएगा, घटित हो जाएगा। लेकिन कहने में कतई भी दोष नहीं है कि जो आपका चाल है, जो आपका चरित्र है और जो आपका चेहरा है, आपका उससे ये सत्य होता दिखता तो कदापि नहीं है। बहुत बहुत आभार मान्यवर, धन्यवाद।